नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का क्लास जो है 60 यानी कि 60वें दिन का क्लास देखने वाले हैं। दोस्तों, 2 महीने जो है पूरा कर लिया गया है ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत। आज 60वां वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। दोस्तों, अब लिखना, सीखना, बोलना आसान हो जाएगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ आप अच्छे से, दोस्तों टॉपिक का कहने का मतलब यही है कि जो भी वीडियो में होगा जिसे आप लिख सकते हैं, अच्छे सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि सबसे पहले दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, साथ साथ बेल आइकन को दबाइए, वो जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों आने वाली वीडियो जितनी भी होती है सबकी जानकारी मिल सके। खासकर ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत जो वीडियो जारी की जाएगी, हफ्ते में 2 या 3 वीडियो रहता है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मिस मत कीजिए, क्योंकि मिस करना यानी बहुत कुछ आप छोड़ पाएंगे। देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों देखिए, पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश टाइप कीजिए, यूट्यूब पर सारे वीडियो के लिंक मिल जाएगा, या नीचे टाइटल है, टाइटल के बगल में से क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए जाएंगे जो कि आप वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ साथ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ओमनीसेंट नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि वीडियो पहले वाले वीडियो कहाँ है। देखिए दोस्तों, पहला वीडियो जब मैंने लाया था ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत, तो अब तक जो है दोस्तों 5.2 मिलियन, ठीक है, 5.2 मिलियन वीडियो देखा गया है। उसके बाद के लोग हमेशा कहते हैं कि वीडियो दीजिए, तो ये तो आज का तिथि है। अब जब ये वीडियो जितना लेट दिखेगा, और देखिए और भी संख्या बढ़, डिमांड बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उस वीडियो में मैंने लिंक नहीं दिया हमेशा, हालांकि प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और लोग फिर भी नहीं समझ पाते हैं। तो आगे कई सारे वीडियोस हैं जो कि बहुत ही उम्दा तरीका से बताया गया है दोस्तों, और यहाँ पर पढ़ने से आप शुद्ध शुद्ध लिख पाइएगा, साथ साथ शुद्ध शुद्ध बोल पाइएगा, वो भी दोस्तों बिल्कुल ईजी स्टेप में, क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रामर का इस्तेमाल नहीं किया, भारी भरकम ग्रामर किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर अच्छे से देखिए, आप अगर इंग्लिश स्कूल से हैं तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इंग्लिश को डेवलप किया जाता है स्कूलों में। थोड़ा थोड़ा डोज जो है दिया जाता, भारी भरकम रख दिया जाता है बच्चे पर। अब मान लीजिए आप अंग्रेजी स्कूल में और अचानक क्लास 3 से आपको इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, तो 1-2 आपने पढ़ा नहीं है और बच्चे नहीं पढ़ते हैं और सीधा 3 क्लास से होता है, तो बच्चों को शुरू से पढ़ाया जाता है इसलिए इंग्लिश का उसको उनको ज्ञान भी मिले। तो खैर, बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको ये बहुत ही फायदा देगा। साथ साथ वैसे लड़कियाँ जो नहीं जानते, वैसे लड़के जो कि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, व्हाट्सअप करना चाहते हैं, फेसबुक पे कुछ या ट्विटर पे लिखना चाहते हैं, क्योंकि सारा कुछ जो है इंग्लिश में ही है दोस्तों, और इंटरनेट का दुनिया है, और तो IT चल रहा है, जो क्रांति चल रहा है उस क्रांति से आने वाले समय में इंग्लिश का जो डिमांड बढ़ने वाला है, तो सारे कुछ जो है इंग्लिश पर डिपेंड करता है। तो हमारे साथ बने रहिए, और देखिए जो भी बने रहते हैं हमारे साथ तो कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट होगा, और एक समय आएगा कि आप अच्छे से शुद्ध लिख पाइएगा इंग्लिश स्कूल के जो बच्चे उनसे अच्छा, और बोल पाइएगा, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूँ वैसे करते जाइए, बहुत इजी हो जाएगा। आज दोस्तों यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, एक टॉपिक है वेदर और नॉट, ठीक है, यहाँ पर छूट गया है, वेयर हो गया है, यहाँ वेदर और नॉट हो जाएगा दोस्तों, ये शुद्ध हो गया वेदर, ठीक है, वेदर और नॉट, ये 2 वर्ड है, वेदर और दूसरा जो है और नॉट, अलग अलग है दोनों, लेकिन सेंटेंस में हमेशा एक साथ आते हैं जब कहीं। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जान लीजिए, इसका मतलब होता है दोस्तों कि दो, वेदर और नॉट का मतलब होता है कि जब कोई वाक्य होता है जिसमें दो में से एक, जब कोई ऐसा वाक्य होता है जिससे पता चलता है, जिससे बोध होता है कि वाक्य में दो में से एक होना है, वो कैसे, देखिए जैसे जब कोई वाक्य इस प्रकार होता है, जैसे कि वाक्य देख लीजिए कहाँ वेदर और नॉट लगेगा, वह कर सकता है या नहीं, आप बोलते हैं, आप सुनते भी होंगे बहुत जगह, वह कर सकता है या नहीं, बहुत इजी सेंटेंस है, लेकिन जब अगर इंग्लिश बनाया जाए तो आप, जाहिर सी बात है, अगर थोड़ा सा मेरे पिछले वीडियो को आपने देखा है, कैन मे से रिलेटेड वीडियो, तो आप कर बता सकते हैं ही या सी, ही कैन डू और नॉट, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली शुद्ध नहीं होगा,
वहां पर वेदर से स्टार्ट होगा, ठीक है, वेदर ही कैन डू और नॉट, ऐसे हो जाएगा शुद्ध। बाद में इसके करेंगे, इसका ट्रांसलेट भी करेंगे। अब देखिए दूसरा है, तुम लिख सकते हो या नहीं। अब कुछ ही बोल लीजिए, वो कंडीशन तो आप ही का रहेगा, कुछ ही बोलिए तुम लिख सकते हो नहीं। मेरा यहाँ सिंपल बताने का रहता है कि सिंपल तरीके से बताया जाए ताकि आप डिटेल में और कठिन तरीके से समझ सकें। दूसरा है दोस्तों कि हम लोग सुन सकेंगे या नहीं। मान लीजिए कहीं कुछ सुनना है और कोई बोला है, तब संशय रहता है, तो ऐसा लोग बोलते हैं हम लोग सुन सकेंगे या नहीं, हम लोग सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे, सेंटेंस यही है, भाव यही है। दूसरा है रमेश बोल पाएगा या नहीं। मान लीजिए कि रमेश बोल पाएगा नहीं, कभी कभी होता है कि रमेश टीचर पूछना चाहते हैं या स्टेज पे जो स्पीच देना होता है और स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी, तो बोलते हैं कि रमेश बोल पाएंगे या नहीं, मुझे डाउट है या कुछ भी, तो ये सेंटेंस है। तो वहाँ पर वेदर और नॉट का इस्तेमाल करेंगे, वो भी कैसे आप सब देख लीजिएगा। मोहन जी को कहना चाहिए या जाना चाहिए। अब देखिए नहीं नहीं से तो हो गया, आपने देखा कि नहीं है, यहाँ भी नहीं है, या इस सेंटेंस में भी नहीं, इस सेंटेंस में नहीं है। हो सकता है ऐसे भी लोग बोलते हो मोहन जी को कहना चाहिए या जाना चाहिए, यहाँ पर दो में से एक है ना, चाहे वो कहेंगे या जाएंगे, तो ये हुआ। अब देखिए छठा है कि हम लोग नेपाल जाएंगे या कोलकाता, ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस, हम लोग नेपाल जाएंगे या कोलकाता, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे वी विल गो टू कोलकाता, वी विल गो टू नेपाल और कोलकाता, ठीक है। तो सेंटेंस तो बोल सकेंगे लेकिन यहाँ पर वेदर का इस्तेमाल होगा, वेदर और नॉट, आप समझ रहे हैं। उसके बाद और भी देखेंगे कुछ, नाइदर नॉर और आइदर और से रिलेटेड भी सेंटेंस में, बहुत ही संक्षिप्त में। उसका देखिए दोस्तों, तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं ऊपर के, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले क्या करना है, वेदर को, वेदर शब्द को जो अंग्रेजी शब्द है का प्रयोग करना है, रख देना है, और जहां आवश्यक हो, जहां मान लीजिए और नॉट यहां लगा हुआ है या नहीं, वहां पर और नॉट लगाएंगे और नहीं भी लगा सकते हैं। अब मान लीजिए ये सेंटेंस है, हम लोग नेपाल जाएंगे या कोलकाता, तो इसमें क्या होगा, और नॉट नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ भी ऑर्नेट नहीं लगेगा, कई जगह जो है ऑर्नेट लगाने की जरूरत भी नहीं होता है। अब लोग समझ जाते हैं कि हाँ मतलब ऑर्नेट लगा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो स्लाइड है, इसमें जब कोई वाक्य इस प्रकार होता है, जैसे कि वह कर सकता है, अंग्रेजी देखिए कैसे होगा, वह कर सकता है नहीं, यानी वेदर ही कैन डू और नॉट, सेंटेंस ऐसे बनेगा जो पिछला आपने देखा था एग्जाम्पल। उसका दूसरा था तुम लिख सकते हो या नहीं लिख, नहीं, तो whether you can write or not, यहाँ पर आप अगर whether लिख देते हैं और not को नहीं भी लिखते हैं, इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ और not है, समझना होगा। फिर देखिए हम लोग सुन सकेंगे या नहीं, whether we can hear or not। नेक्स्ट है रमेश बोल पाएगा या नहीं, whether रमेश will say or not। नेक्स्ट है मोहन जी को कहना चाहिए या नहीं, यहाँ पर नहीं नहीं लगा हुआ, यहाँ मोहन जी को कहना चाहिए या जाना चाहिए, और इसका हो जाएगा दोस्तों वेदर मोहन जी शुड टेल और गो, यहाँ नॉट तो है ही नहीं, इसलिए नॉट लगा ही नहीं है, लेकिन और लगा है, तो सिंपल है। और इसका नेक्स्ट जो है, हम लोग नेपाल जाएंगे या कोलकाता, ठीक है, आपका कहीं आप सिचुएशन कुछ और हो सकता है और जानते ही हैं दोस्तों, वेदर वी विल गो टू नेपाल और कोलकाता। तो ये है इसका हिंदी और हिंदी कैसे करना है, ये आज देख लिया आपने। उसके बाद कुछ और थोड़ा सा समझिए, इस वाक्य को थोड़ा समझने पे और आपको अच्छे से और कर पाइएगा। देखिए ही कैन डू, ये सब सिंपल सेंटेंस है, इसका वीडियो पहले ही आ चुका है और मुझे लगता है कि आपको पिछला वीडियो को देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखा अब तक, तो कैन डू कैन से रिलेटेड वाला वीडियो। अब देखिए कुछ नियम ध्यान रखना है कि जब वेदर का प्रयोग किया जाता है तो उसके पहले दैट को नहीं लिखना है, ठीक है, दैट नहीं लिखना चाहिए, जैसे की के लिए हमेशा। अब वेदर शब्द जो है, वेदर शब्द के अंत में सेंटेंसेस के अंत में और नॉट लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था कि वेदर लिखता है तो वेदर उसका और नॉट है, तो सेंटेंस में और नॉट नहीं भी लिखेंगे लास्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेदर जैसे ही वेदर आता है उसके बाद और नॉट नहीं भी होता है,
लिखा जाता है, तो समझिए कि और नॉट है, वेदर का मतलब ये कि और नॉट है, वो उसका सगा है और मतलब कि एक साथ ही आता है। नहीं लिखने पे भी आप समझ जाएगा लोग कि वो है, तो आप डायरेक्ट वेदर बोल सकते हैं। चाहे देखिए लिखा लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है लिखने में, बोलने में भी आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह देखिए साइलेंट इसे रख सकते हैं, समझने का मतलब कि साइलेंट रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको और नॉट बोलना है या नहीं बोलना है। नेक्स्ट जो है, कभी कभी वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं, समझिए दो उपवाक्य कैसे होते हैं, दो क्लॉज होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं वे भी जान लीजिएगा। तो ऐसे में वाक्य का जो है शुरुआत जो है वेदर से नहीं भी होता है, और आप सुविधा अनुसार जो है वेदर का प्रयोग कभी कभी वाक्य के शुरू में कर सकते हैं और कभी कभी उपवाक्य के शुरुआत में कर सकते हैं। जैसे देखिए उपवाक्य क्या है, देखिए राहुल, राहुल एक मैंने नाम लिया है राहुल, राहुल कह सकता है मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं। आप तो समझ सकते हैं कि या नहीं वाला जो सेंटेंस कहानी है वेदर, यानी दो में से, तो वेदर यहाँ लगेगा मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं। लेकिन अब सेंटेंस तो यहाँ शुरू हो रहा, राहुल कह सकता है यहाँ शुरू हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? वेदर राहुल के पहले लगेगा या बीच में, ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही सेंटेंस अचानक शुरुआत में एक ही सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस को जोड़ जोड़ कर कई सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिए क्लाउज के बारे में हमने बात किया था, राहुल कह सकता है, यह एक क्लाउज हो गया, दूसरा क्लाउज हो गया मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं, दूसरा क्लाउज हो गया। इसे वाक्य एक वाक्य में दो उपवाक्य कह सकते हैं, राहुल कह सकता है एक उपवाक्य, दूसरा उपवाक्य है मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं। हिंदी देखिए अब क्या होगा इसका, कहाँ लगेगा? तो वेदर आप लगा लीजिए शुरू में, वेदर आई शुड गो, वेदर आई शुड गो, यहाँ पर आई शुड रीड होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ रीड मैंने यहाँ हिंदी बदल दिया है, तो रीड लिखिए यहाँ पर, वेदर रीड हो जाएगा, और ये रीड हो जाएगा आर ई ए डी। दोस्तों देखिए रीड हो गया ये, तो देखिए रीड लगा, वेदर आई शुड, तो सेंटेंस को पहले लिया गया मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं, राहुल कह सकता है, तो सेंटेंस को सीधा उलट दिया हम लोग, वेदर आई शुड रीड, और नॉट लगाना है नहीं लगाना यहाँ पे डिपेंड करता है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, राहुल कैन से, ठीक है, एक तरह से ये बनेगा। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से देखिए कैसे बनाया जाता है। देखिए राहुल कह सकता है मुझे पढ़ना चाहिए नहीं, हिंदी में तो ऐसे ही होगा, इंग्लिश करते समय आप कर सकते हैं राहुल कैन से, ठीक है, राहुल कैन से वेदर आई शुड रीड और नॉट, कहने का मतलब दोस्तों कि मुझे पढ़ना चाहिए नहीं के साथ ही वेदर और नॉट लगेगा, राहुल कह सकता है कि पहले नहीं रहेगा, याद रखिए इस बात को, एक जो डाउट था यहाँ पर क्लियर हो जाता है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे जब वाक्यों को जोड़ते हैं आप। तो नेक्स्ट जो है फिर देखें कि जब इस प्रकार का वाक्य हो तो वहाँ पर वेदर और नॉट का प्रयोग नहीं करें, कहाँ कहाँ नहीं करना इसे देखिए कि वेदर और नॉट का नहीं करें, यानी दो में से एक यहाँ भी है। देखिए न तो राहुल लंबा है न नाटा या मोटा, जो भी है दो में से एक बात है, ना तो राहुल लंबा है और ना मोटा, हिंदी तो ये है, लेकिन यहाँ वेदर नहीं लगेगा दोस्तों, यहाँ पर लगा नाइदर, क्योंकि ना तो अगर जब लिखा रहे ना तो लिखा रहे तो समझिए कि नाइदर हो जाएगा, ना तो रहेगा जब भी दो बार रहेगा, ना तो राहुल लंबा है ना तो नाटा, तो नाइदर और ये नॉर का खेल है यहाँ पर, जैसे कि वेदर और नॉट लगता है इसी तरह नाइदर और नॉर लगेगा। सेंटेंस सिंपल रहते हैं इसमें, या जैसे भी है सेंटेंस कोई भी रहे, सेंटेंस फॉर्मेट कोई भी रहे, लेकिन ना तो जब लिखा रहे तो नाइदर और नॉर लेगा, यानी कि नाइदर राहुल इज टॉल नॉर शॉर्ट, ठीक है। उसके बाद तुम रहो चाहे जाओ मुझे कोई एतराज नहीं, तो ये मुझे कोई एतराज नहीं, ये दो क्लॉज हो जाता है, तुम रहो चाहे जाओ, तो यहाँ पर आइदर, देखिए चाहे जब वर्ड होता है तो आइदर और हो जाता है, सेंटेंस हो जाएगा आइदर, ठीक है, आइदर हो जाएगा, यहाँ देखिए और है, हिंदी हो जाएगा आइदर यू स्टे और गो, ठीक है, आइदर यू स्टे और गो, दो वर्ब के बीच में और को लाया गया, यहाँ भी देखिए दो नाउन के बीच में नॉर को लाया गया था। यहाँ दूसरा सेंटेंस है आई हैव नो ऑब्जेक्शन, यहाँ मुझे कोई एतराज नहीं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, ये अलग ही वाक्य है, लेकिन कहीं भी आएगा तो ये आइदर और नाइदर नॉर, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो देखिए तीन चीज़ आपने आज सीखा, वेदर और नॉट, नाइदर नॉर, आइदर और, बहुत ही सिंपल है।
इसमें कुछ विशेष ध्यान नहीं देना था, इसलिए मैंने बोला बहुत संक्षिप्त में मैं और पे बात हो जाएगा, क्योंकि सब उसी तरह से होगा। अब देखिए हिंदी जैसे चाहे यह करो चाहे वह, यानी कि आइदर डू दिस और दैट, आइदर डू दिस और दैट, यहाँ भी देखिए आइदर और लगाया गया है, आइदर और। नेक्स्ट है जो भी हो, राहुल कल आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। देखिए जो भी हो आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब देखिए क्योंकि उसके पिताजी बीमार हैं, तो दोस्तों देखिए कैसे हो जाए, जो भी हो इसका एक वर्ड होता है जो भी हो के लिए, हाउ एवर, हाउ एवर का मतलब जो भी हो, राहुल में देखिए राहुल में आइदर कम, आइदर कम टुमारो और नॉट, यहाँ ही लग गया है, या ऐसे भी बोल सकते थे हाउ एवर, चूँकि हाउ एवर पहले आ गया है इसीलिए थोड़ा दिक्कत है, तो हाउ एवर राहुल में आइदर कम टुमारो, कम टुमारो और नॉट लगा है, ठीक है, और नॉट लगा है, और नॉट लगा इसका मतलब ये नहीं कि वेदर है, यहाँ पर आइदर के साथ और आया है, नॉट जो है सिंपल नॉट वाला है। एज हिज फादर इज इल, ठीक है, यानी कि उसके पिताजी है, जैसे कि अब एज मीन्स क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज मीन्स भी होता है, तो ही हिज फादर इज इल या सिक, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो है देखिए, मैं कह नहीं सकता, मैं कह नहीं सकता हूँ कि विजय यहाँ है या नहीं, ठीक है, यहाँ है या नहीं, वेदर वाला है, क्योंकि वह स्थानीय लड़का नहीं है। सेंटेंस देखिए अंग्रेजी में ऐसे बनेंगे, आई कैन नॉट से, ठीक है, आई कैन नॉट से वेदर राहुल इज हेयर और नॉट, बिकॉज मीन्स क्योंकि ही इज नाउ लोकल बॉय, वह क्या है स्थानीय बॉय, वह स्थानीय लड़का नहीं, ही इज ए नॉ नहीं, ही इज ए नॉट, ठीक है, ही इज ए नॉट अ लोकल बॉय हो जाएगा। नेक्स्ट जो है देखिए, उसके चाचा बता सकते हैं कि रहीम भारतीय था या पाकिस्तानी, दो में से एक है, क्योंकि वह उसके चाचा के दोस्त थे। देखिए वेदर का इस्तेमाल यहाँ करेंगे हम लोग, और हिज अंकल से वेदर रहीम बाज एन ए इंडियन, ठीक है, एन हो जाएगा यहाँ पर आई है इसलिए एन इंडियन और पाकिस्तानी, ठीक है, वेदर लग गया और भी लग गया यहाँ पर, बिकॉज ही वाज फ्रेंड ऑफ हिज अंकल। दोस्तों इसके बाद देखिए, मुझे यह कहना नहीं चाहिए राहुल सही है या गलत, आई शुड नॉट से वेदर हो लग गया यहाँ पर, और राहुल इज राइट और रॉन्ग। देखिए वेदर और का इस्तेमाल कैसे यहाँ पर मैंने करके आपको बता दिया कि कैसे कैसे सेंटेंस में आप सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट कीजिए, अपने द्वारा जो भी कमेंट सुझाव दीजिए, और अधिक से अधिक अगर आप नहीं जानते जीरो से इंग्लिश जो सीखना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ, और 6 महीने तक के वीडियो को देखिए, और थोड़ा थोड़ा देखते रहिए हफ्ता में, क्योंकि 2 से 3 ही वीडियो आते हैं, और 60 वीडियो तो आ चुका है दोस्तों, तो हर एक दिन करके एक वीडियो देखते जाइए और कंप्लीट कर लीजिए सारे के सारे। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, और साथ में जो है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सबसे बड़ी बात है, और कहना यही चाहेंगे कि डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अगला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।